बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम हाल टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और एक खास टॉपिक लेकर आए। अमूमन इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू नहीं की जाती, बात नहीं की जाती, इस टॉपिक को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। तो आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अंदर इस टॉपिक को हाईलाइट करें, इसकी वजूहात को जानने की कोशिश करें, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो जब कंसीव करने के मराहल में होती हैं या प्रेगनेंसी के मराहल में होती हैं तो उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वो दुश्वारियां क्या होती हैं उन पर रोशनी डालेंगे और साथ ही किन किन चीजों की कमी उनकी बॉडी के अंदर हो जाती है, क्योंकि बाज़ वक़्त हम देख रहे होते हैं कि जब लड़कियां कंसीव कर रही होती हैं तो उनको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और उसके साथ ही जब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के अंदर होती है तब भी काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। क्या वजूहत है कि आयरन की डिफिशियंसीज होती हैं या फिर उनके बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसीज होती हैं, क्योंकि जिस तरह की खुराक है, जिस तरह की डाइट हम ले रहे होते हैं जिंदगी के अंदर, वो भी काफी हद तक जो है वो खराब होती जा रही है, क्योंकि हम लोग जंक फूड की तरफ ज्यादा आ चुके हैं और हेल्दी डाइट को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम शुरू होना हो गई है। और जिस तरीके से प्रॉब्लम होती जाती है वैसे ही कंसीविंग करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ ही प्रेगनेंसी के मराहल में भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। इसको कैरी कैसे करना चाहिए, इसको लेकर कैसे चलना चाहिए या इसके साथ आगे जिंदगी को कैसे ट्रैवल करवाना चाहिए, आज पूरे टॉपिक के ऊपर हम यही बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर। जो मेरे साथ आज डॉक्टर मौजूद हैं वो डॉक्टर नजमू सहर, आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। सहर कैसी हैं आप? अच्छा सर, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट सवाल मेरा आपसे ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हम देख रहे होते हैं लड़कियों को कैरी करने में मुश्किलात होती है, कंसीव करने में मुश्किलात होती है, क्या वजूहत हैं, क्यों कंसीव नहीं कर पाते? देखें, जो देखा गया है आम तौर से 80% कपल जो हैं वो शादी के एक साल में कंसीव कर लेते हैं और जो 90% कपल है वो विद इन 2 ईयर्स कंसीव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि फैमिली का दबाव और फैमिली का स्ट्रेस कपल के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कपल के अपने ऊपर जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। तो अगर वो बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपना एक रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो वो आराम से कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आमतौर से देखा गया है कि शादी को 2 या 3 महीने नहीं गुजरे होते हैं कि हमारे पास लड़कियां आनी शुरू हो जाती हैं कि हम कंसीव करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा गुजारें, बैलेंस डाइट लें और थोड़ा टाइम दें, यू कैन कंसीव। ठीक है, यानी टाइम देना चाहिए और ये जो प्रेशर डेवलप किया जाता है, स्ट्रेस डेवलप किया जाता है फैमिली की जानिब से, हम देख रहे होते हैं कि लड़की अभी शादी होकर आई होती है तो उस पर एक बर्डर डाल दिया जाता है, उस पर एक प्रेशर डेवलप किया जाता है कि भाई शादी हो गई अब फौरन से जो है ना बच्चा पैदा करके दे दिया जाए, तो ये चीज़ें भी बड़ी नुकसानदेह साबित होती है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन जब पैदा होने लगते हैं तो किन सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का अगर साइकिल आ गया या प्रेगनेंसी के मराहल में एक औरत आ गई है, दाखिल हो चुके, तो उनको किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है? प्रेगनेंसी में देखें हमें 2 चीजें देखनी होती हैं, एक तो मेटर्नल पेशेंट खुद, मदर जो है, और बेबी, दोनों को हमें नजर में रखना होता है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी दे शुड स्टार्ट फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का रोल ये है कि फॉलिक एसिड अगर वो स्टार्ट करें तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अगर बेबी हेल्दी हो रहा होगा उनका तो प्रेगनेंसी उनकी स्मूथ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो वो हमारे पास मिसकैरेज की सूरत में सामने आ जाती है। प्लस ये कि पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, आयरन और कैल्शियम का प्रॉपर इस्तेमाल रखें, अपनी बैलेंस डाइट रखें जिसमें प्रोटीन्स का भी अच्छा इंटेक हो, तो फिर उनकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाती है। ठीक है, यानी प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम ये ऐसी चीजें हैं जिसको अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस रखना चाहिए, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वरना अदरवाइज एक हेल्दी डाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफस्टाइल की जहां हम बात कर रहे होते हैं तो लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिसको हम हमेशा जो है वो नजरअंदाज कर रहे होते हैं। लाइफस्टाइल अमूमन हम अगर प्रेगनेंसी के अलावा भी देखें तो हमारी लाइफस्टाइल बड़ी जो है ना वो डगमगाई भी चल रही होती है, क्योंकि हम हेल्दी फूड से हटकर जो है वो जंक फूड की तरफ आ चुके हैं और इस तरह की हमें क्रेविंग्स होने लगती हैं, मिड नाइट क्रेविंग्स होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, ये जो क्रेविंग्स की बात आप कर रही थी और क्रेविंग्स क्या बता रही थी कि जिस तरह से एक हेल्दी डाइट को छोड़कर हमें क्रेविंग्स पर आ जाते हैं, वो कितना कॉम्प्लिकेट करता है? बिल्कुल करता है। देखिए, क्रेविंग्स औरतों में किस तरह की देखी गई है, या तो वो कच्चे चावल खाना शुरू कर देती हैं प्रेगनेंसी में, या वो बर्फ खाना शुरू कर देती हैं, या मिट्टी वगैरह खाना शुरू कर देती हैं। इससे ये होता है कि इससे इनका पेट भर जाता है, फिर जो हेल्दी डाइट होती है वो नहीं लेती, इसकी वजह से इनका वेट इश्यू होता है, वेट अच्छा नहीं बढ़ता। जब वो हेल्दी फूड नहीं लेती तो ना उनकी अपना वेट बढ़ता है ना बेबी को वेट बढ़ता है, क्योंकि बेबी का रिलेशन माँ से, अगर मदर हेल्दी होगी तो बेबी हेल्दी होगी।
तो इस तरह से देखें अच्छा कि हम आजकल की लड़कियां हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है ना, जिसको हम कह लें कि काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज करती हैं चीज़ों को, दूध नहीं पीती, इस तरह की प्रोटीन नहीं लेती, आयरन की चीज़ें नहीं लेती और काफ़ी केयरलेस, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी काफ़ी केयरलेस होती हैं और काफ़ी जो है सेंसिटिव भी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले अगर हम बड़े बुजुर्गों को देखें तो वो जब प्रेगनेंसी के मराहल में आते थे तो यानी आई हैं या कुछ भी हमारी मदर्स हैं या हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, उन लोगों की अगर हम बातें सुने तो वो तो कहते थे कि हम तो 9-9 महीने तक काम कर रहे होते थे, पोछे भी लगाए हैं हम लोगों ने, घर के सारे काम भी किए हैं, घर भी संभाले, हमें तो पता ही नहीं होता था कि प्रेगनेंसी का पीरियड है। लेकिन आजकल हम देख रहे होते हैं कि जिस तरीके से कोई भी बच्ची है या कोई भी लड़की है, वो उस तरीके से प्रिटेंड कर रही होती है कि बेड रेस्ट कम्प्लीट, और डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि भाई इनको कम्प्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, ये क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल जा रही है तो प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, ठीक है? ठीक है, आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, हाँ पोछे ना लगाएं उसमें, लेकिन जो है लेकिन कुछ प्रेगनेंसी में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि जिसमें डॉक्टर भी एडवाइस करता है कि आपको बेड रेस्ट पे जाना चाहिए, लेकिन वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, नॉट इन एवरी प्रेगनेंसी। ठीक है, हर प्रेगनेंसी में औरतें वर्किंग भी होती हैं, वो अपनी जॉब भी कर रही होती हैं, वो अपने बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल उन्होंने मेंटेन किया हुआ होता है, तो आप एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी गुजार सकते हैं, आप अपने आप को मरीज ना समझें। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आप नहीं देख रही है रुझान कम होता जा रहा है इसमें? देखें, अवेयरनेस की बात है, ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आपने अपना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ, आपका आयरन कैल्शियम इनटेक प्रोटीन एक बैलेंस्ड वे में जा रही है, आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, कोई अल्ट्रासाउंड में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन प्रेगनेंसी गुजार रही हैं, तो ठीक है, आप उसी के साथ चलें। बल्कि कहते हैं कि प्रेगनेंसी में थोड़ी आप एक्सरसाइजेस भी exactly, कर सकते हैं, वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, बेड रेस्ट पे चले जाएंगे, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज नॉट अ गुड थिंग, आपको एक नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल, अनलेस एंड अंटिल कोई मसला है आपके साथ, फिर हम कहते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई ज्यादा मसला है, कोई बेबी को इशू है, तो फिर हम कहते हैं कि चले अब आप बेड रेस्ट करें, लेकिन नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की हम एडवाइस करते हैं हर पेशेंट। यानी इतना ज्यादा काम काज नहीं करना चाहिए जो हम लोग पहले देखते थे, जिन नॉर्मल को बिल्कुल मतलब अपने आप को बिल्कुल आपने बेड हाँ, पे भी नहीं रखना और अपने आप को बिल्कुल ढीला हाँ, भी नहीं छोड़ना, ये आपके ऊपर मतलब मुनहसिर है कि आप खुद रियलाइज करें कि आप कितना स्ट्रेस और कितना एग्जर्शन बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा घबराहट की जहाँ तक बात है, बहुत सारी हम खवातीनों को देखते हैं बड़ी घबराहट का शिकार होती हैं और बहुत ज़्यादा घबराई भी होती हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, हम झुक जाएं तो कुछ ना हो जाए, कहीं हो जाए, आजकल का एक टर्न है, एक हम देखते हैं कि बड़ी सेंसिटिव जो है वो जनरेशन है, जिसको हम बात करें हमारी या आपकी जनरेशन हम बात करें तो एक बड़ी सेंसिटिव जनरेशन आई है जो कि इन तमाम चीज़ों को बड़ा जो है ना कहते हैं ना हवा बनाना शुरू कर देती है, बड़ा लाइटली लाइटली चीजों को बड़ा ऊपर लेके जाना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्यों होता है, क्या ये आगे जाके कोई खतरा होता है या सोशल मीडिया के थ्रू आउट वो इस तरीके की चीजें देख रही होती हैं, या किस तरह की चीजों से उनको दूर रहना चाहिए इस दौरान? जो मुझे लगता है वो ये कि आजकल जो है इंटरनेट बहुत कॉमन हो गया है, हर कोई इंटरनेट पर सर्च करता है, तो अब लोगों के डिफरेंट मसले होते हैं तो वो अपने स्टोरीज शेयर करते हैं, तो वो सब लोग अपने आप के ऊपर वो स्टोरीज ले लेते हैं कि हमारे साथ भी ये इशू हो सकता है, हालांकि होता नहीं है उनके साथ वो इशू, क्योंकि इमोशन रिलेटेड हाँ, काफी होते हैं ना, वो डरते हैं कि ये हमारे साथ भी हो सकता है और फिर वो उससे फिर वो मतलब अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज करें, और बाद में एक मैं कहती हूँ कि कपल का आपस में बहुत ज्यादा रोल है, पार्टनर को भी थोड़ा सा एनकरेजिंग होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए चीजों में कि इस तरह से नहीं, और फिर उनको थोड़ा सा मूड चेंजेस भी होते हैं प्रेगनेंसी में, ये हार्मोनल इफेक्ट है, ये कुदरत का निजाम है, ठीक है, तो ये घर वालों को और कपल को आपस में रियलाइज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जो बीइंग अ प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट औरत है तो उसको किस तरीके से अपने चेकअप को लेके चलना चाहिए, कितने मंथ्स के बाद अपना सीबीसी कराना चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये किस तरीके से अपना पूरा चार्ट फॉलो करना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी को जो ना हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट थ्री मंथ्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे, सेकंड ट्राइमेस्टर पे थर्ड ट्राइमेस्टर। एक हम एंटीनेटल वर्कअप बिल्कुल बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी में करा लेते हैं, जिसमें तमाम एंटीनेटल वर्कअप आपका हो जाता है, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, वायरल मार्कर्स और पूरा रूटीन, एक अल्ट्रासाउंड फॉर वायबिलिटी स्कैन हो जाता है, उसमें सब कुछ नॉर्मल है, तो हम बस फॉलिक एसिड पे एडवाइस करते हैं। और थ्री मंथ्स में जो आपने आमतौर से मसले देखे हैं औरतों के साथ, वो नौजिया और वॉमिटिंग के मसले होते हैं बहुत ज्यादा,
तो उसमें हम यही कहते हैं कि एक तो उसकी टैबलेट्स होती हैं और ये हार्मोनल इफेक्ट होती है, वो 3 मंथ्स अच्छा। रहता है और उसके साथ खत्म भी हो जाता है अगर कोई मेजर इश्यू नहीं है तो। हम कहते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खाना पीना बंद करें, लेकिन छोटे छोटे खाने थोड़े थोड़े वक्फे से खाएं। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा होता है कि हम जो है एक एनोमली स्कैन कराते हैं पेशेंट्स का, जिसमें हम देखते हैं कि जिसको बड़ा स्कैन कहते हैं कि बच्चे की बनावट कैसी है, और फिर उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर में हम उसके हिसाब से फिर देखते हैं उसमें पेशेंट का वेट गेन होना और बेबी के वेट पे हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में ही मेजर बेबी का वेट गेन और पेशेंट का वेट गेन होता है। तो 3rd ट्राइमेस्टर वाइज अलग अलग चीजें होती हैं। एंड में देखा गया कि आमतौर से एक जो चीज है कि पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन का मसला भी बहुत ज्यादा देखा गया है प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो ये भी बेसिकली हार्मोन रिलेटेड ही है। और इसमें पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप हाई फाइबर डाइट लें, ऐसी डाइट जिसमें फाइबर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा पानी का इंटेक करें। कराची तो एक ऐसा शहर है जिसमें आजकल देख रही हैं आप गर्मी कितनी पड़ रही है, तो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी का इंटेक, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखना चाहिए ताकि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अच्छा, और सीबीसी किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कराना चाहिए, कितने महीनों बाद? अच्छा, सीबीसी का ये है कि एक तो हम रूटीन एंटीनेटल वर्कअप पे कराते हैं जो उसका फर्स्ट विजिट होता है, फिर उसके हिसाब से हम 2nd ट्राइमेस्टर में एक दफा करा लेते हैं, और हम क्लिनिकली भी पेशेंट्स को असेस करते रहते हैं कि कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं है, और पेशेंट की हिस्ट्री भी देखते हैं कि कोई उसकी पाइका ईटिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, लाइक उन्होंने कच्चे चावल या बर्फ का इस्तेमाल, हमें क्लिनिकली लग रही होती है पेशेंट पेल है। अच्छा, तो नुकसान देता है? इससे ये होता है कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा। आप में ये होता है कि आपका पेट भर जाता है, आप फिर हेल्दी फूड नहीं खाते, हेल्दी फूड नहीं खाते तो फिर आप आयरन डेफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, और इससे बेबी को कोई नुकसान हो? बिल्कुल, आयरन डेफिशिएंट होंगे तो बेबी का वेट नहीं बढ़ेगा, बेबी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों का बेबी डिलीवर होता है वो अपने वीक्स के हिसाब से नहीं होता, वो छोटा बेबी होता है, बाद में इंक्यूबेशन में रखना पड़ता है। बिल्कुल, बाद में पेशेंट को कैरी करने में मसला होता है, उसके मतलब उसका कैचअप ग्रोथ नहीं हो पाती, ये सारे इश्यूज, यही होता है। ये प्रेगनेंसी के बिगनिंग से अगर आप इन चीजों को लेके चले तो बाद में आपका बेबी भी हेल्दी होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो कि कंसीव तो कर लेती हैं लेकिन उनके विद इन अ मंथ्स या 2 मंथ 3 मंथ्स के साइकिल में वो दोबारा मिसकैरेज की तरफ चली जाती हैं, तो ये क्यों होता है? क्या कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम होती है या उनका कैरी होने में कोई प्रॉब्लम होता है? देखिए, इसमें मिसकैरेजेस के तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें एक जो मोस्ट कॉमन देखा गया है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखी गई है, जिसका लिंक है फीमेल की एज से भी रिलेटेड है वो, और आजकल रिसेंट रिसर्चेस ये भी शो कर रही है कि मेल की एज भी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। एक तो एज रिलेटेड आप में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्लस ये कि बेबी अगर आपका सही नहीं बना होता तो कुदरत का एक कानून है कि जो चीज सही नहीं बनी होती वो हमारे सामने मिसकैरेज की सूरत में आ जाती। अच्छा। है, इसीलिए जैसे मैंने बिल्कुल बिगनिंग ऑफ इंटरव्यू कहा था कि फॉलिक एसिड का इस्तेमाल आपकी शादी होने से 3 महीने पहले आप शुरू कर दें और फिर उसको कंटिन्यू करें, तो फॉलिक एसिड का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बेबी के बनने के अमल में उसका बहुत इंपॉर्टेंट। और फॉलिक एसिड मेरे ख्याल से नुकसान भी नहीं देती, लड़कियों के लिए काफी हेल्दी है, अच्छी है। बिल्कुल अच्छी फॉलिक एसिड, बल्कि आपके वो ब्लड सेल्स वगैरह बनने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है। अच्छा, चलिए अब आ जाते हैं जरा इस कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं विद इन अ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के अंदर, तो तब आता है कि सीजर या फिर नॉर्मल डिलीवरी, ये दो जो है वो हमारे पास ड्यूरेशन आती हैं। जब ये ड्यूरेशन से कोई भी वुमन या फीमेल गुजर रही होती है तो उसको ये मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आजकल हम रुझान देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो रुझान है वो सीजर्स की तरफ है, चाहे वो डॉक्टर्स रिकमेंड करें या फिर कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा हैं फीमेल्स के अंदर कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा ही नहीं पाती। तो ये वजूहत क्या होती हैं, क्या इनकी बेसिस के ऊपर, क्या इनकी डाइट ही है कि जिसकी वजह से वो सीजर्स की तरफ चली जाती हैं, या दीगर कोई कॉम्प्लिकेशन है? ये दो मोड ऑफ डिलीवरीज हैं आपकी, एक नॉर्मल डिलीवरी है और एक सिजेरियन सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो हम मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं उसमें दो फैक्टर्स देखते हैं, मेटर्नल एंड फीटल, ठीक है। फीटल में यही है कि अगर फीटल में कोई बेबी की हम लोग जो है, जैसे बड़ों की ECG निकलती है, ऐसे बच्चों के भी हार्ट रेट का पूरा पैटर्न निकलता है जिसको हम CTG कहते हैं, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो हम रिकमेंड करते हैं C-सेक्शन। या मटर्नल अगर हम देखें कि अगर जो है वो प्रोग्रेस ऑफ लेबर वैसा नहीं हो रहा कि मतलब बढ़ नहीं रहा, अच्छा नहीं हो रहा, तो हम रिकमेंड करते हैं C-सेक्शन। या कोई मदर के साथ कॉम्प्लिकेशन है, प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशंस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, जिसमें ब्लीडिंग का खतरा है पेशेंट को, पेशेंट का मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कोई इशू है, तो हम सेक्शन रिकमेंड करते हैं। और एक जो इशू आता है वो ये कि एक इंडिकेशन ये भी है कि कपल विश भी होती है कि अच्छा। हमें सेक्शन कराना है, तो ये भी एक इंडिकेशन है, यानी उनकी चॉइस के ऊपर भी ये तमाम चीजें हो सकती हैं। तो आजकल कभी कभी कपल खुद भी ऑप्ट करते हैं कि वी वांट सिजेरियन सेक्शन, तो ये एक
कपल इंडिकेशन भी होती है। ठीक है, यानी ये डिपेंड करता है ऑन अ सिचुएशन, यानी जैसे कि आपने कहा कि क्या सिचुएशन है उसको चेकअप करने के बाद ही रियलाइज किया जाता है कि किस तरफ लेके जाना है, किस मोड ऑफ थिंकिंग पे हम जा सकते हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अगर मैं, आपने भी कहा था जैसे स्टार्टिंग के अंदर लाइफ स्टाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, और लाइफ स्टाइल पे बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवेयरनेस देना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी प्रेगनेंट वुमेन है उनके लिए बड़ी जरूरी होती है कि अपने लाइफ स्टाइल को कैसे लेकर चलना और उसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से किस तरीके से चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि 9th मंथ का पीरियड बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड होता है जिसके अंदर एक बेबी बन रहा होता है, तो उसके लिए क्या मैनेज करना चाहिए लाइफस्टाइल को। हेल्दी फूड तो आपने बता दिया, साथ फोलिक एसिड की आपने डाइटिंग कर दी, लेकिन जो हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की रूटीन होती है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनको किस तरीके से लेके चलना चाहिए। नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी एक तो कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, और दूसरी ये कि आप जब प्रेग्नेंट हो जाएं तो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स करें, और जितना फ्रीक्वेंटली वो बुलाएं आप उनके पास जाएं, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो अर्ली पिक हो सके और फिर वो आपको एक एडवाइस कर सके कि आपको किस तरह आपने अपनी प्रेगनेंसी कैरी करनी है, या आपकी कोई लैब वर्कअप में या अल्ट्रासाउंड में कोई इश्यू हो रहा है तो वो उसको करेक्ट कर सके। तो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन की एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो करें। कुछ लोग लॉस्ट टू फॉलो अप हो जाते हैं, जिनका बहुत अरसे के बाद फॉलो करते हैं और फिर वो काफी कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी हमारे पास आते हैं, तो वो यही होता है कि प्रॉपर एंटीनेटल फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फॉलो अप से भी लोग भागने लग गए, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स होते हैं और नहीं जाने का दिल करता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, नहीं जाना, ये नहीं खाना, डॉक्टर के नहीं जाना, तो ये सारी चीजें बड़ी फीमेल के साथ चल रही होती है और इसकी वजह से जो है फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही होती है, फैमिली के जो है वो उसके भी मूड स्विंग्स होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में क्या करना चाहिए, किस तरीके से मूड को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन आपको देख रही हैं उनको पता होगा कि किस तरह से उनको अपने आप को जो है वो चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि उनके बस की बात नहीं होती, ये तो मूड स्विंग्स एक नेचुरल थिंग है जो कि इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर आती है। यहाँ पे पार्टनर का रोल आ जाता है, ठीक है, पार्टनर को रियलाइज करना चाहिए कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल रिलेटेड चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उनको उनके साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए, और मैं तो यही कहती हूँ कि हर एंटीनेटल विजिट पे हस्बैंड को जरूर आना चाहिए पेशेंट के साथ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखा गया है कि पेशेंट या तो खुद आ रही होती है, किसी फीमेल के साथ आ रही होती है, इसमें हस्बैंड आए ताकि हमें भी काउंसलिंग में आसानी हो, जो पेशेंट के प्रॉब्लम्स हैं वो हम ज्यादा अच्छा फील करते हैं कि हम हस्बैंड को इन्फॉर्म करें और पेशेंट को इन्फॉर्म करें, तो वो रियलाइज करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनका जो कोऑपरेशन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है, हेमोग्लोबिन कितना मैनेज करना चाहिए एक नॉर्मल फीमेल, हेल्दी फीमेल का? अच्छा, रिकमेंडेशन तो यही है कि आपका जो ना 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी का अपना एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है कि बॉडी में हीमोडाइल्यूशनल इफेक्ट होता है कि हीमोग्लोबिन गिरता ही है नॉर्मली। अच्छा, इसीलिए हम प्रेगनेंसी में रिकमेंड करते हैं कि आप आयरन का इंटेक थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करें, चाहे आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन नॉर्मली प्रेगनेंसी में गिरता ही है, प्लस ये कि अगर कोई इश्यू हो जैसे पेशेंट की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, तो और भी गिरता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर इशू भी होता है, ये एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह के भी मसले नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमने कॉमन वुमेन्स को देखा है जिनको अभी ब्लड प्रेशर आया ही नहीं, या लड़कियों को नॉर्मली अगर रहता है कि आजकल लड़कियां डाइटिंग कर रही होती हैं तो डाइटिंग के हिसाब से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है वो लो पे चला जाता है, हाई पे नहीं जाता, या इस तरीके से, तो लो तो एक कॉमन तरीके से चल रहा होता है लड़कियों का, क्योंकि डाइटिंग पे जा रही होती है, खुराक इतनी नहीं होती, डाइट इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हमने देखा है कि जो वुमेन है जिसको कभी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं, लेकिन उसके ब्लड प्रेशर भी लो की तरफ या हाई की तरफ होता है। अच्छा, देखिए, जो एक होती है फिजियोलॉजी, एक होती है पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी हम कहते हैं नॉर्मल है, पैथोलॉजी हम कहते हैं कि ये फिर कॉम्प्लिकेशन है। जो प्रेगनेंसी की नॉर्मल फिजियोलॉजी, उसमें आपकी पूरी बॉडी चेंज होती है, जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल प्रेगनेंसी में लो की तरफ ही जाता है, इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हमें बढ़ता हुआ लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। सही है, इसमें एक हेरिडिटरी रोल भी होता है कि अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है कि किसी पेरेंट्स में या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो फिर वो पेशेंट्स में आ जाती है और फिर हम उसको उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, या पेशेंट की अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है कि उसका ब्लड प्रेशर रेज था, तो इस प्रेगनेंसी में भी आ जाती है। सिमिलरली डायबिटीज भी, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी आप में डायबिटीज आने के चांसेस होते हैं, और फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं।
ठीक है। अच्छा, आजकल ये जो हम डाइट की बात कर रहे हैं या जिस तरीके से हम खाने की बात कर रहे हैं, लड़कियां जो कि टीन एजर्स होती हैं या फिर 25 साल की एज या 30 साल की एज तक जो लड़कियां होती हैं, वो चाहती हैं कि जिस तरीके से वो बिल्कुल थोड़ा 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 सा खाना खा रही होती हैं, यानी बिल्कुल अपनी डाइट से भी बिल्कुल कम खाना खा रही होती हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान भी हम उनको ये देख रहे होते हैं कि वो बिल्कुल पेट भर के नहीं खाती, वो बिल्कुल थोड़ा सा खाती हैं, उन्हें ये लग रहा होता है कि कहीं हम वेट ना गेन कर लें या हमारा वेट ना बढ़ जाए, लेकिन ये तो असर होता है, ये बेबी पे जाता है। देखिए, मैं कहती हूँ कि एक होता है बॉडी मास इंडेक्स आपका, जिसका जो है आपको बताया हुआ है कि 19 to 24 इज द नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स। अगर आप इसके अंदर हैं तो आप नॉर्मल हैं। अगर आपका वेट कम भी है, अंडर वेट भी है, ऐसे लोगों को भी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। अच्छा। और ओवर वेट को भी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बताया कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी में आपसे बहुत ज्यादा खाया भी नहीं जाता, हर वक्त आपको लगता है कि पेट बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, तो आप छोटे 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 मील्स दिन में कई दफा ले सकते हैं। जैसे आपने नाश्ता किया, नाश्ते से लंच के दरमियान एक छोटा मील आप ले लें, फिर लंच कर लें, फिर लंच से डिनर के दरमियान एक छोटा मील आप ले, ठीक है। तो इस तरह करके आप छोटे छोटे मील्स प्रेगनेंसी में लेते रहें, ठीक है। यानी मील्स लेने लाजमी है, क्योंकि जितनी हम वुमेन्स को देख रहे होते हैं वो हमेशा कोशिश ये करती हैं कि डाइट की तरफ चले जाए। अच्छा, आफ्टर प्रेगनेंसी हमने ये इशू भी देखा, और बाज़ वक़्त बहुत ख़वातीन की शिकायत भी हैं जो कि देख रही होती हैं, डॉक्टर से कर रही होती हैं, वेट गेन हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो कि नॉर्मल पतली दुबली सी लड़कियाँ होती हैं वो प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा मोटापा चढ़ जाता है, ये हार्मोनल इशूज़ होते हैं। इसमें ऐसा होता है कि देखिए, प्रेगनेंसी के बाद देखिए, अगर आपकी मोड ऑफ डिलीवरी पे ज्यादा डिपेंड करता है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप अपने रूटीन एक्टिविटीज पे जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हीलिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाती है। नो डाउट सिजेरियन सेक्शन वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो इतनी जल्दी अपनी रूटीन एक्टिविटीज में नहीं आ सकते, क्योंकि उनका मेजर सर्जरी हुई भी होती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आपको कोशिश करना चाहिए जरा अपनी रूटीन पे आए। प्लस ये कि मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ आऊंगी, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कम हो गई है। आप ब्रेस्ट फीडिंग की कोशिश करें। ब्रेस्ट फीडिंग से जो है आपका वेट और जो लोगों का टमी ज्यादा हो जाता है, ये सब कम होने शुरू होते हैं। अच्छा। पूरा बॉडी चेंजेस आते हैं और आप एक नॉर्मल अपने वेट की तरफ बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपने प्री प्रेगनेंसी वेट की तरफ। अच्छा, जो माएं अपनी माँ मतलब वो ही ना दूध नहीं पिलाना चाहती, उनके लिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि आप ये कह रही हैं कि जो हम फीडर पे लगा देते हैं वो अगर खुद कर मिल्क को बच्चे को दें और वो उससे जो है काफी हद तक बेहतर हो सकती है बॉडी। कुछ लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग में इशू भी होता है, नो डाउट, तो वो आजकल लैक्टेशनल कंसल्टेंट भी आ गए हैं हमारे पास ना, तो आप उनसे कंसल्ट करें तो फिर वो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प भी करते हैं। तो इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग का थोड़ा रुझान हमारी पॉपुलेशन में बढ़ना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यानी माँ का दूध बच्चे के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है, और अगर इसकी तरफ इसकी तरफ अगर जाया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा भी हेल्दी होता है और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा नहीं होती। सहर, लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे, जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, खवातीन आपको देख रही होंगी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। आप प्रेगनेंसी में खुश रहें और अपना बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाए, और अपना एक रूटीन एक्टिविटीज भी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करें, और अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से टाइमली कंसल्ट, टाइमली विजिट करें। अगर मुझसे आप लोग कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी ओपीडीज एहसान कमाल हॉस्पिटल, डॉक्टर मुनीजा हॉस्पिटल और चिन्योट जनरल हॉस्पिटल में होती हैं। इन जगहों पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम तर वजूहत हैं जिसके बिना पर कॉम्प्लिकेशन के बेसिस पे हम यहाँ बात कर रहे थे, और हमने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं उसका मकसद ये था कि आप तक छोटे छोटे मैसेज पहुँच जाएँ, आप तक जो है वो चीज़ें ये पहुँच जाए कि अगर हम लोग आपको यहाँ बता रहे हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हैं और वो कॉम्प्लिकेशन कैसे बेहतर हो सकती है, और घर में बैठ कर आप किन किन डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी रूटीन लाइफ को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, तो उसको अपना लीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखें। और जिस तरीके से डॉक्टर ने भी कहा कि प्रेगनेंसी जो है वो डिसीज़ नहीं है, तो उसको डिसीज़ की नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल अपनी लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए और आगे जाके ताकि आपके लिए स्मूथनेस पैदा हो और आप जो आसानी से अपनी चीज़ों को, अपनी डिलीवरी को नॉर्मल कर सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया मुझे और मेरी पूरी टीम को। दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।